इस वीडियो में मैं आपको स्टडीज पर फोकस करने के लिए 3 टेक्निक्स बताऊंगा, जिसमें से जिस टेक्निक को आप चाहो गूगल पर वेरीफाइड कर लेना, विकिपीडिया पर वेरीफाइड कर लेना। ये स्टडीज पर फोकस करने के लिए अब तक की सबसे बेस्ट टेक्निक्स हैं, और इसमें से एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल 1980 से अब तक किया जा रहा है। वैसे मैंने वीडियो बनाने से पहले हर टेक्निक को खुद वेरीफाइड कर लिया है, तभी अपनी इंस्पायर मी स्टूडेंट फैमिली के लिए इस स्पेशल वीडियो को बनाया है। अब ये भी है कि इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस का समय है, तो कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मानिए ये टेक्निक ऐसी हैं जिनसे आप अपने घर पर पूरे फोकस के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो टेक्निक नंबर 1, जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक, ये रहा इसका विकिपीडिया पेज। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे 1980 में फ्रांसेस्को के द्वारा तैयार किया गया था, और ये टेक्निक कितनी पॉपुलर है। अब बात आती है ये टेक्निक है क्या, और ये काम कैसे करती है, और इसमें हमें करना क्या है। अब अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते, या पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ये टेक्निक टाइम मैनेजमेंट के बेस पर वर्क करती है, जिसमें वर्क टाइम को छोटे छोटे टाइम में बांट दिया जाता है। इस टेक्निक में टाइम को 25-25 मिनट्स में बांट दिया जाता है, और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, या आप कोई सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, या किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या नॉर्मल स्टडीज करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना है, अपने टाइम को 25-25 मिनट्स में बांट लेना है। पहले 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद 25 मिनट फिर पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस हर 25 मिनट के टाइम को एक पोमोडोरो कहा जाता है। इसी तरह आपको 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने हैं, और 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद आपको 15-30 मिनट्स का एक लंबा ब्रेक लेना है। इस लंबे ब्रेक के बाद आपको फिर से पोमोडोरो टेक्निक को शुरू कर लेना है। अब होता क्या है, 25 मिनट तक आपका माइंड आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए कोई लंबा समय नहीं है। आपके माइंड तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, मुझे सिर्फ 25 मिनट तक पढ़ना है, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक है ही माइंड फ्रेश करने के लिए। और इस टेक्निक को अच्छे से रेगुलर अपनाने से दिन पर दिन आपकी स्टडी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। इस टेक्निक से रिलेटेड कई मोबाइल ऐप्स भी हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। तो टेक्निक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है टीचिंग टेक्निक। ये टेक्निक किसी टॉपिक को अच्छे से याद रखने के लिए एक बेस्ट टेक्निक है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट बनकर तो पढ़ाई हो नहीं रही, और आप टीचर बनकर पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किसी टॉपिक को अच्छे से दिमाग में याद करने के लिए एक बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, एक टीचर बन जाना है, और जो कुछ भी आपने पोमोडोरो टेक्निक की सहायता से पढ़ा है, उसे अपने किसी दोस्त को समझाना है। दोस्त ना मिले तो किसी को भी समझा दीजिए, यदि कोई भी ना मिले तो अपने घर के मिरर के सामने जाकर खुद खड़े हो जाइए, और खुद को ही वो टॉपिक समझा दीजिए। हमारा सबसे बड़ा साथी तो हम खुद ही हैं। इस टेक्निक से होगा क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो टॉपिक याद किया है वो आपको सही से याद हुआ भी है या नहीं, और अगर अच्छे से याद हुआ है तो आपका एक बार रिविजन हो जाएगा, और बोल बोल कर पढ़ने से आपके दिमाग में वो चीज अच्छी तरह बैठ जाएगी। तो अपनी लास्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स। अब देखिए, आपको कोई छोटा एग्जाम क्लियर करना है, या कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना है, ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। हाँ, इस टेक्निक को यूज करने में टाइम काफी लगता है, लेकिन इससे आप अपने एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी जल्द से जल्द कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको उन सभी टॉपिक पर शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स बनाने हैं जो कि सिलेबस में है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में। ध्यान रखिएगा, आपको ये कहीं से या किसी के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं, आपको अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं। आपको क्या करना है, पहले किसी टॉपिक की फुल स्टडी करनी है, फिर इस टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। अब होगा क्या, आपके इस तरीके से नोट्स तैयार करने से एग्जाम टाइम में अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके के बने हुए नोट्स को पढ़ने से आपको उस टॉपिक की अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, और आपका अच्छी तरह रिविजन भी हो जाएगा। और ये टेक्निक बहुत पॉपुलर है, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन फाइट्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अधिकतर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और इस टेक्निक से आपका एग्जाम टाइम में बहुत टाइम बचने वाला है, जिसकी एग्जाम टाइम में हमें बहुत जरूरत होती है। तो यही थी हमारी इंस्पायर मी स्टूडेंट फैमिली के लिए आज की स्पेशल वीडियो। अगर इस वीडियो के किसी टेक्निक को लेकर आपको कोई डाउट है, तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम और FB पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूजर नेम्स आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना, और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी, बने रहिए इंस्पायर मी के साथ, जल्दी मिलते हैं।